हेलो दोस्तों, कविता किचन रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दी खांसी जुकाम को दूर करने वाली मसाला लेमन टी। मसाला लेमन टी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आइए देखते हैं मसाला लेमन टी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मसाला लेमन टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 3 कप पानी लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच चाय पत्ती। ध्यान रखें हम चाय पत्ती को ज़्यादा ना डालें, नहीं तो चाय की टेस्ट कड़वी लगेगी। इसके साथ ही हमने लिया है यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस। साथ ही मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए। मसालों में मैंने लिया है 2 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 इंच अदरक, 2 टुकड़ा दालचीनी और 2 से 3 मैंने तुलसी का पत्ता लिया है। तुलसी का पत्ता इसमें ऑप्शनल है। अगर आप सर्दी खांसी जुकाम के लिए इस चाय को बना रहे तो इसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें, इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। सबसे पहले हम गैस पर एक पतीले में पानी गर्म करेंगे और पानी में एक उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें सभी खड़े मसाले और अदरक डाल देंगे। अदरक को हमने क्रश करके डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम मसालों को 2 मिनट के लिए उबालेंगे। दो मिनट के बाद हम देखेंगे कि पानी का कलर पहले से काफ़ी चेंज हो गया है। हम इसमें चीनी और चाय पत्ती डाल देंगे। मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से और फिर से मीडियम फ्लेम पे हम चाय को 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चम्मच से 1-2 बार ऐसे चला देंगे। बाद हम देखेंगे कि चाय पूरी तरह से रेडी हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसे कप में छान लेंगे। देखिए, सर्दी खांसी जुकाम को दूर करने वाली मसाला लेमन टी बिल्कुल तैयार है। आपने देखा होगा मैंने इसे कितने आसान तरीके से कम समय में बनाया है और मेहनत तो इसमें बिल्कुल कम है। तो आप भी इस लेमन टी को एक बार ज़रूर बनाइए। और हमेशा की तरह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।